वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज काफ़ी समय हो गया, काफ़ी टाइम हो गया कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि हिमाचल में बारिशें लगातार हो रही हैं और जगह जगह पर यार लैंडस्लाइड हो रहा है और लाइट वगैरह भी नहीं रह रही है और नेटवर्क वगैरह भी नहीं रहा है, इस वजह से ब्लॉग इतना लेट आ रहा है कि लाइट नहीं है। लाइट ना होने के कारण रास्ते भी नहीं है। ये देखिए ऐसे मजूर बने पड़े हैं ये लोग। हेलो 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 हेलो, कोई काम धंधा है नहीं, बस जगह जगह पर इकट्ठे हो करके ये गेम खेल रहे हैं। कौन सी गेम खेल रहे हैं आप लोग? पबजी। आपकी गेम की मैं प्रमोशन करा देता हूँ, कौन सी गेम खेल रही है? पबजी वाली। अच्छा ये लिंकर शेर, ये देखो इधर, ये इस नंबर पे कॉल की जा रही है, तो आप लोग इस नंबर को जल्दी से कॉपी कर लें और फोन कर दें मजे लेने। तो आपने भी तो ये देखे इधर, और ये इनके मजे लगे हुए, स्कूल में छुट्टियां पड़ी हुई है, सुखु सरकार की। ओए सुखु सरकार को आप क्या कहना चाहते हो, छुट्टियां दे रहे हैं आपको, क्या क्या राय है आपकी? अवे ओए मुस्कुराहट बता रही है, मुस्कुराहट बता रही है कि हम खुश हैं सुखु सरकार से। मिस्त्री जी आपका क्या कहना है सुखु सरकार को? यार जगह जगह रास्ते बंद हैं, ब्लॉक पड़े हुए हैं। ये देखिए सामने मैं आपको दिखाता हूँ, साच पास वाला जो रास्ता है उसको दिखाता हूँ, वहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा जो रोड की हालत है वो ख़राब हो गई। ये देखिए यहाँ पर बसें वगैरह काफ़ी दूर है, मैंने बहुत जूम किया है इसको। ये देखिए यहाँ पर भी बसें हैं और इधर देखिए यहाँ पर भी गाड़ियाँ हैं, तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है हर जगह। और यहाँ देखिए यहाँ पैराफिट ये यहाँ से चला गया रोड से नीचे, बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं। और अभी का मौसम देखिए, तो गाइस ये देख सकते हैं शाम का टाइम हो गया है और फिर से मुझे लग रहा है आज रात को बारिश आएगी। और ये देख सकते हैं मक्का काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और फिर से वो दिन आ गए हैं जब हम इन खेतों में जा कर के खीरे खाते हैं। और सनसेट का टाइम है, सनसेट हो रहा है, लेकिन बादल इतने ज़्यादा हैं कि सनसेट सही से दिख नहीं रहा है। और ये है रास्ता, इस रास्ते से आज जा रहा हूँ मैं घर। ये देखिए इतनी बारिशें हुई, इतना पानी आ रहा है, इतना पानी, हद से ज़्यादा पानी आ रहा है। ये देखिएगा कतवा कि गाइस किसी लड़की का यहाँ पर बैग से गिर गया है, किसी का दिल यहाँ पे गिर गया है, तो अगर कोई देख रहा हो तो अपना दिल यहाँ से उठा करके ले जाना। ये देखिए यहीं पे रख दिया है मैंने, ठीक है, उठा करके ले जाना, ये इस बंदे ने ढूंढा है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर रास्ते की कितनी बुरी हालत हो गई, ये भी गिर गया रास्ता, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, ये फसल बर्बाद हो चुकी है पूरी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। और ये आगे बहुत ही हालत ख़राब है यार, पता नहीं क्या हो गया इस बार, ऐसा काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 40-45 सालों के बाद हुआ अपनी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है। ये देखिए यार कितना मस्त मौसम लग रहा है, पूरे ही हिमाचल में इतना बुरा हाल हो चुका है, हर जगह यार हालत ख़राब हो गई है। हिमाचल के जितने भी ज़िले हैं हर ज़िले में बारिश आई है और हर ज़िले में बाढ़ भी आई है, कई जगह बादल फटे हैं, कई जगह मतलब रास्ते गिर गए हैं, घर वगैरह सब कुछ तहस नहस हो गया है। दोबारा से रिकवर करने में लगभग भी यार अगर बहुत ही जल्दी गया तो साल लग जाएगा। और हमारी साइड भी रास्ते काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं,
काफ़ी लोगों के घर भी डैमेज हो गए हैं और काफ़ी लोगों के घर तो गिर भी गए हैं। तो गाइज़ यार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हिमाचल के लिए दुआ करिएगा, प्रे करिएगा कि हिमाचल फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाए और मस्त हो जाए, क्योंकि यार पहाड़ों में जाने का मज़ा ही अलग है, लेकिन इस वक्त तो पहाड़ में जाने से भी डर लग रहा है। तो गाइज़ यार करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अगला ब्लॉग बहुत ही जल्द आएगा क्योंकि अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। तो बस आप दुआ करिएगा और मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में।